भागलपुर में तातारपुर थाना क्षेत्र के घर में जोरदार धमाका, जिसमें एक मासूम समेत अब तक 7 लोगों की मौत। धमाके में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवलीचक इलाके की घटना। धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके की गूंज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। धमाके से आसपास के मकान के शीशे टूटकर बिखर गए। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही डीआईजी, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। जेसीबी से मलबे को हटाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस 3 मंजिला मकान में धमाका हुआ, वहां पर पटाखा बनाने की फैक्ट्री थी। रात 11:30 बजे के आसपास ये धमाका हुआ है। जिस मकान में धमाका हुआ उसमें 3 बार पहले भी धमाका हो चुका था। आज झारखंड हाईकोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद को हुई है 5 साल की सजा। सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी। मुश्किल में फंसे बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी। सदन में बीजेपी विधायक ने मंत्री की कार्यशैली पर उठाया सवाल। कम्फेड में सहायक पदों की नियुक्ति पर संजय सरावगी ने घेरा। बिहार में अवैध कब्जों पर चलाया जाएगा बुलडोजर। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय का बयान। जल्द ही विभाग लाएगा प्रस्ताव। मंत्री के बयान पर सियासत गरमाई। बिहार विधानसभा में उठा यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्रों का मामला। सीएम नीतीश कुमार ने कहा यह राष्ट्रीय विचार का मुद्दा। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया मेडिकल कॉलेजों को बढ़ाने का भरोसा। झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश। वित्त मंत्री रामेश्वर उराव ने पेश किया 1,01,101 करोड़ का बजट। पिछले साल की तुलना में राशि बढ़ी। रूस यूक्रेन युद्ध के आज 9वां दिन है। कीव, खरकीव, ओडेसा समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस के जोरदार हमले जारी। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस ने तेज किया है कीव पर हमला। कीव में हर तरफ बज रहा है हमले का सर। यूक्रेन के कीव में रॉकेट से हमला। रॉकेट अटैक में बाल बाल बचा विदेशी पत्रकार। रिपोर्टिंग के दौरान धमाका। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का जबरदस्त हमला। जन के साए में रह रहे हैं लोग। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच में न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे को लेकर आर पार की लड़ाई। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा अगर विस्फोट हुआ तो चेर्नोबिल से 10 गुना ज्यादा होगी तबाही। कीव में रूसी सेना का लगातार हमला जारी है। कीव के कई इलाकों में भारी बमबारी। पूरा शहर धुआं धुआं हुआ। यूक्रेन के बोरोडियंका में रूस ने मचाई भारी तबाही। रूसी हमले में तहस नहस हुआ शहर। सामने आई तबाही की तस्वीरें। क्योंकि नजदीक का शहर मलबे में हुआ तब्दील। ड्रोन कैमरे से ली तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन के एनरगोदार में रूस की सेना का जोरदार हमला। रूसी सेना ने हेलीकॉप्टर से बरसाए बम। धुआं धुआं हुआ शहर। यूक्रेन के एनरगोदार में रूस का मिसाइल हमला। रूसी मिसाइल के फटते ही लगी आग। यूक्रेन में रूस का प्रचंड प्रहार। रिहायशी बिल्डिंग पर रूस ने दागे मिसाइल। भारी नुकसान की आशंका। खारकीव में रूसी मिसाइलों ने बरपाया कहर। बमबारी के बाद कई अपार्टमेंट में लगी आग। यूक्रेन के बुखार शहर में जोरदार धमाका। शहर में आग के लपटे और धुएं का गुब्बार छा गया। यूक्रेन के बोलनोवाख में रूसी सेना का कहर। हवाई हमलों और गोलाबारी में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन के माइकोलाफ में यूक्रेन के लोगों ने फूंका रूस के 4 टैंक। वीडियो में धधकता दिखा रूसी टैंक। एरपेन शहर में रूसी टैंकों को यूक्रेनी सैनिकों ने किया नष्ट। सड़कों पर कई रूसी टैंक जलकर हुए खाक। यूक्रेन के एरपेन में रूस की बमबारी जारी। एरपेन में रूसी SU-34 बम वर्षक का हमला। रूसी हमले में एरपेन का एक घर तबाह। यूक्रेन के मरियुपोल में रूसी हमले में अब तक 12 से अधिक लोगों की मौत। 200 से ज्यादा लोग हुए घायल। रूस सैनिकों पर यूक्रेन में जोरदार पलटवार। यूक्रेन के पोल्टावा में सैनिकों ने ट्रक में लगाई आग। ट्रक में रॉकेट लॉन्चर सहित कई हथियार थे। यूक्रेन के रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का किया गया दावा। यूक्रेनी सेना के कब्जे में नजर आए कई रूसी सैनिक। रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन का रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। रूस के 9,000 सैनिक मारे गए हैं। 217 टैंक, 31 हेलीकॉप्टर, 30 विमान तबाह। यूक्रेन रूस की जंग में कूदने की तैयारी में है। कजाकिस्तान के कोक सेतु में कजाक टैंकों की हलचल। कजाकिस्तान के अस्ताना में 10 किलोमीटर सैन्य काफिला। गुपचुप तरीके से यूक्रेन के खिलाफ जंग की तैयारी में है कजाकिस्तान।
क्वाड देशों की बैठक में यूक्रेन पर रूसी हमलों पर हुई अहम चर्चा। इमरजेंसी बैठक में पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी वर्चुअली रहे मौजूद। क्वाड की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, कूटनीति से मामले का होना चाहिए समाधान, डिप्लोमेसी और डायलॉग से निकलेगा समाधान। क्वाड देशों की बैठक में जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी हुए शामिल। जापान ने कहा यथास्थिति में बदलाव मंजूर नहीं। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फ्रांस का बड़ा बयान, भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाए। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी, बुखारेस्ट से 210 भारतीयों को लेकर आए C-17 ग्लोब मास्टर। रोमानिया में भारतीयों को लेकर आई पांचवी फ्लाइट, गाजियाबाद हिडन एयरबेस पर उतरा C-17। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर बुखारेस्ट से एक और विमान दिल्ली आया है, भारतीय छात्रों का केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किया स्वागत। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप, कहा भारतीय छात्रों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही यूक्रेनी सेना, 3000 भारतीय छात्र खार्किव और सुमी में फंसे। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप, कहा भारतीय छात्रों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही यूक्रेनी सेना, यूक्रेनी सेना रेल में नहीं चढ़ने दे रही छात्रों को। सुमी में भारी बमबारी के बीच में फंसे 1000 भारतीय छात्र, छात्र बोले 8 दिन से बंकरों में है, खाना खत्म होने की कगार पर है, जल्द ना निकले तो भूख से मर जाएंगे। आखिरी चरण में काशी बना सियासत का केंद्र, पीएम मोदी का आज काशी में मेगा रोड शो, मिर्जापुर में भी पीएम मोदी करेंगे रैली। सातवें चरण के प्रचार में हुंकार भरेंगे बीजेपी के दिग्गज अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी की जनसभाएं उत्तराखंड, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी काशी में करेंगे प्रचार। आखिरी चरण के रण में विपक्षी दलों ने भी झोंकी ताकत, आज काशी में अखिलेश का रोड शो, जौनपुर में मुलायम सिंह की जनसभा, काशी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी रैली। मधुबनी के लखनौर थाना पुलिस ने एक हत्या के मामले में बीमाधारियों की हत्या करने वाला 76 अपराधी को गिरफ्तार किया। गुमला के कामजारा थाना क्षेत्र में मोबाइल खरीदने जा रहे दंपति की बाइक गार्डवाल से टकराई, मौके पर पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया, इसमें JSLPS के को सूरज कुमार भी शामिल हुए। रामगढ़ बोकारो मार्ग के गोला DVC चौक पर स्थित 3 होटलों में लगी भीषण आग, आग लगने से हुए नुकसान को लेकर जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की गई। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में आग लगने से 4 दुकानें जलकर खाक हो गई है, आगजनी में 20 लाख से ज्यादा के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। बहुचर्चित गाना कच्चा बादाम के गायक भुवन वाद्येकर जामताड़ा के काली मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने सब परिवार पूजा अर्चना की और माथा भी टेका। भुवन के गाने कच्चा बादाम की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के दक्षिण और मध्य भाग में सर्कुलेशन बना हुआ है और उसमें अगले 5 दिन झारखंड में 3 से 4 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। अनुमान है कि अगले 5 दिन तक मौसम शुष्क और साफ रहेगा। गुमला में विस्फोटकों का जखीरा बरामद, CRPF और जिला पुलिस की साझा कार्रवाई, उग्रवादियों ने जंगल में छुपा कर रखा था विस्फोट। धनबाद पुलिस ने कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, कोयला माफिया गणेश यादव के भट्टे पर पुलिस ने छापा मारा है, 18 ट्रक सहित हजारों टन कोयला भी जब्त किया है। विक्रम में 2 दिन पहले नहर में डूबी कार हादसे में पुलिस ने आज कार सवारी युवक का शव बरामद किया, रानी तालाब थाना क्षेत्र का मामला। विक्रम में युवती का शव बरामद हुआ है, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बक्सर में कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, हादसे में 4 लोग घायल हो गए। बेगूसराय में ट्रेन से गिरकर युवक हुआ है जख्मी, मोबाइल चोरी करके भाग रहे चोर को पकड़ने के दौरान हादसा। बगहा में बगीचे से युवक का शव बरामद किया गया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमरा तालाब स्टेशन के पास राजधानी एक्सप्रेस से CRPF का जवान अचानक से पटरी पर गिर गया। भागलपुर में तिलका मांझी के हटिया रोड में युवक ने की खुदकुशी, घर में फांसी का फंदा लगाकर की खुदकुशी। पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड इलाके में सास बहू के बीच में मारपीट का CCTV फुटेज वायरल। सुपौल के बिसनपुर गांव में दहेज के लिए विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। पटना सिटी में दहेज ने ली एक और विवाहिता की जान, ससुराल वाले 5 लाख नकद और 4 पहिया वाहन की कर रहे थे मांग। पटना सिटी में भूमाफियाओं के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल, 50 साल पुरानी सड़क को किया बंद। पटना सिटी में अपराधियों का तांडव, व्यवसाय से लूटे 6 लाख रुपए, बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम।
हाजीपुर में विशेष न्यायालय ने शराब तस्करी के दोषी को सुनाई सजा, 5 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने का ऐलान। रोहतास के कोचस थाना क्षेत्र में 2 बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। विक्रम के पालीगंज थाना क्षेत्र में कोरडा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। गोपालगंज के वैकुंठपुर थाने क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक का पैर कट गया। बेगूसराय में बच्चों के विवाद में 2 महिलाओं के बीच में जमकर मारपीट हुई, इस मारपीट में 1 महिला गंभीर रूप से घायल हुई। बाढ़ में हाथीदेह जंक्शन के पास एक शख्स का शव बरामद हुआ है। धनबाद में 2 अलग अलग जगहों पर भीषण सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल। गोड्डा में बिजली के तार के चपेट में आकर 3 घरों में लगी है आग, 2 घर पूरी तरह से जलते हुए खाक। केवुर में बालू माफिया को नहीं प्रशासन का खौफ, धड़ल्ले से कर रहे हैं बालू का अवैध खनन। गोपालगंज पुलिस ने गुप्त सूचना पर लिया एक्शन, 87 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, मुजफ्फरपुर पर जंक्शन परिसर से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मधुबनी पुलिस के सहयोग से हरियाणा पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के आगमकुआ थाना क्षेत्र में होली के त्यौहार को लेकर पुलिस की टीम ने की सघन जांच। बेतिया में 10 लीटर शराब के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। चतरा में एसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों की पत्नी को चेक सौंपा। सिवान में अपनों की तलाश में दर दर भटक रही है एक बुजुर्ग महिला, घुमाने के बहाने सड़क पर अकेला छोड़कर फरार हुआ पोता। स्वास्थ्य मंत्री वरुण गुप्ता ने जमशेद टाटा की 183वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। दुमका में हजारों की संख्या में लोगों ने रैली निकाली। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने दुमका रांची ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेखपुरा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, 8 चोर गिरफ्तार। मुंगेर में 4 अप्रैल को होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर जिलाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया गया है जिले का स्थापना दिवस, इस मौके पर पोस्टल पार्क में कार्यक्रम का आयोजन। आरा में बालू खनन के दौरान हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरा पटना मुख्य मार्ग जाम किया। बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में मजदूरों ने किया काम बंद। खूंटेक में भोक्ता समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शेखपुरा पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गोपालगंज स्टेशन का पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम अनुपम शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। लोहरदगा में बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने जिले के 41वें उपायुक्त के रूप में शपथ ली। मसौढ़ी में असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। सुपौल में उर्दू प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, स्कूल के हेडमास्टर पर छात्र के परिजन से अभद्रता का आरोप लगाया। पाकुड़ में डीसी वरुण रंजन ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। मधेपुरा में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह मनाया गया है। चलिए फिलहाल के लिए सौ